दो नंबर भाई भैया आजादी आजना को लोना है, क्या जरूरी है फालतू में? शादी करना है, किसी के घर जाना है, ऐसा ना कर दें कि साला चार दिन बाद कह रहे निकल घर से निकल जाओ, ये नहीं होना चाहिए। बा के कहे कि साला क्या पाए हैं, ऐसा होना चाहिए। कन्यादान शादी कब कर रहे हैं? अभी भी अधूरी है, एक लड़की तब तक अधूरी होती है जब तक वो सुहागन नहीं होती। ऐसा नहीं है तान्या झा, मेरा शादी लग गया है। अच्छा लग गया है। हाँ। अपने भाई को कब बुला रहे हैं? अरे भैया बिल्कुल, हमारे माता पिता कोई नहीं है, मेरी बहन भी तो नहीं है। आप मुझे आज से अपनी बहन मान लीजिए, मैं आपको भाई मान लेती हूँ, उनको भाभी मान लेती हूँ। ये तो आपकी छोटी बहन है, आपके हाथ का जरूरत। अगर आपकी वाइफ है तो मेरी भाभी हुई, अगर आप मेरे भाई हुए तो बिल्कुल, तो बहन नहीं हो सकती, वो रिश्ता गलत मत बनाइए। जब आप भाई है तो वो भाभी हुए, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई बहन का रिश्ता है तो हम आपको जरूर बुलाएंगे, जितने पब्लिक मुझे प्यार करते हैं मैं सबको बुलाऊंगी। कामना उसकी कीजिए जिसका चरित्र पवित्र हो, खूबसूरती अक्सर समय के साथ ढल जाया करती है, तो आप उसकी कामना कीजिए जिसका चरित्र पवित्र हो। हम लोगों का मार्केट में छवि बेदाग है। हाँ, गाली देती है, चढ़ के बोलती है, मान सकते लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि तान्या झा दो नंबर है। क्या मैं गलत बोला भैया? इन सब चीजों से हम लोग थोड़ा दूर दूर से हम लोगों का रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा इन सब चीजों पे नहीं होता है कि भाई भैया आजादी आजना को लोना है, क्या जरूरी है फालतू में ये सवाल जल बतिया के। तो थोड़ा सा बड़ी आप क्लियर बात लगता है नहीं, थोड़ा थोड़ा जाति का भी प्रभाव होता है, मानिएगा इस बात को। हाँ। हम लोगों को लगता है कि आज ना कल शादी करना है, किसी के घर जाना है, ऐसा ना कर दें कि साला चार दिन बाद कह रहे निकल घर से निकल जाओ, ये नहीं होना चाहिए। बा के कहे कि साला क्या पाए हैं, ऐसा होना चाहिए। सही बात है। तो आप जो भी महिला हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे आपके अंदर अंदाज होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए। आप लोग अपने लिए लड़िए। आज जो स्कूल चलते तेजाब फेंक दिया जा रहा है, रोड चलते उठा के रेप करके हत्या कर दिया जा रहा है, 10 टुकड़ा 15 टुकड़ा में काट के फेंक दे रहे, बाक सला इतना हलुआ है, जान इतना मुश्किल है। अरे सोचिए एक बार, उस माँ ने, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, एक शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में आता है ना, तो 3 महीने के बाद से जो औरतों को दर्द होता है ना, हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग के ऊपर बीतता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन की हुई हूँ, नहीं कर नहीं चुकी, अभी कर ही रही हूँ, मेरा शरीर बस ऐसा है, क्योंकि फैमिली हुआ तान्या जी, फैमिली मेरा एज ज्यादा नहीं हो रहा है, बस 22 साल हो रहा है, अपना एज कोई नहीं बताता है। एक्चुअली हुआ ये कि थोड़ा नानी जी के गुजरने के, नानी जी जब थी तो मतलब भैंस का दूध इतना मिला ना, घर वहाँ पे भैंस है तो भैंस का दूध इतना मिला ना, थोड़ा शरीर हम लोगों का मतलब फैलते गया, अब प्लस मेरा आ गया हॉस्टल तो खाना थोड़ा पौष्टिक मिल गया, तो अपने आप में मतलब होता है ना कि उसके बाद नानी डेट करने के बाद बॉडी मतलब नहीं होता है कि समय से खाना नहीं मिलना, ये वो थोड़ा ये हो गया। तो मैं अभी पार्ट टू में हूँ, ज्यादा मैं नहीं पढ़ी हूँ, 2020 में मैंने इंटर किया है। अच्छा। तो समझ जाइए कि हम कब का पढ़े होंगे। देखने से लगती है आप 25 प्लस की। ना भैया मेरा एज हुआ कहीं 22 साल हो रहा है। अच्छा। ठीक है, अपना एज कोई नहीं बताता। आप नानी का बाद बार बार बयान कर रही हैं। वो मेरी जिंदगी है, वो मरने के बाद भी मेरे लिए अमर थी, अमर है और आजीवन अमर रहेंगी, उनके लिए मेरी जीवन हमेशा कुर्बान है। अभी कुछ याद आता है तो उनको याद करते हैं। हाँ, लड़कियों को ऐसा बनना चाहिए कि 5 के बीच में बैठ के उठ सकी, आपके बैठ उठने के बाद कोई आपके जगह पे बैठ ना सके, जैसे आपका जगह कोई ना ले सके। हाँ, आपके बाद लोग आए, नो दिक्कत, लेकिन आप जैसा कोई ना बने। पवन सिंह जो बात बोले हैं, हमारे छाप पे सब पीछे रेंगता है। सही बात है, आप ऐसा बनिए कि आपके बाद कोई ना आए, और लड़कियों को अपने खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। बाकी इस दुनिया में लड़कियों से मजबूत कोई नहीं है और लड़कियों से कट्टर इंसान कोई नहीं है। अच्छा, हमसे गुस्सा तो नहीं है ना, मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, हमारे चैनल के लिए कुछ कहिएगा। क्या कहेंगे, जितना लोग मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं उतना लोग इनको अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप पे हम पे कहाँ गुस्सा है? बहुत सारे रिपोर्टर कहते हैं तान्या झा मुझे इंटरव्यू आजकल नहीं देती है। ऐसा नहीं है, अब सवाल देखिए, आपके पास बेहुदगी का सवाल होगा तो मेरे पास समय थोड़ा अभाव है। आपने अभी भी देखा मैं कहाँ बैठी हूँ, मुझे गाना गाना है। हाँ। कुछ लोगों का कहना, आप मान लिया जाए आप रिकॉर्डिंग के वक्त आइएगा तो इंटरव्यू जरूरी नहीं है ना, ये मेरा जीवन नहीं है, नहीं। मेरी गायकी मेरी जीवन लेकिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं तान्या झा को रिपोर्टर लोग मीडिया नहीं आगे बढ़ाया। मैं मानती हूँ भैया, थैंक यू, लेकिन सबने नहीं। आरजी न्यूज को तो नहीं भूलिएगा मेरा चैनल भैया। अरे ना भैया, लोगोवा लगा लीजिए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तान्या झा बहुत अच्छी है, दिल की साफ है और एटीट्यूड नाम का कोई चीज नहीं है, जैसा जिसके साथ आप करिएगा वैसा करेंगे। आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे, घमंड किस बात का, मिट्टी से आए मिट्टी में मिलना है।